अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आप लोगों को बता रही हूँ लजीज सैंडविच बनाने का तरीका। प्याज 3 अदद, टमाटर 2 अदद, मिर्चें 5 अदद, सुर्ख मिर्च, नमक, कुकिंग ऑयल, मायोनीज, गार्लिक सॉस एंड ब्रेड। प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को हम काट लेंगे। हमने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, मिर्च और टमाटर को भी काट लिया है। अब हम चूल्हा ऑन, एक प्याली में मैंने 4 अंडे तोड़ लिए हैं। अब हमने चूल्हा ऑन कर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने दें। हल्का सा ब्राउन कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और फिर डालूंगी मिर्च। अब मैं इसमें आधा चम्मच आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च के। अब हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। हम टमाटर को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको थोड़ा खड़ा खड़ा रहने देंगे। अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी। चम्मच से इसको हलाते जाएं। लगाने वाला पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक डोंगे में निकालूंगी। अब मैंने इसे डोंगे में निकाल लिया है ताकि ब्रेड पर लगाने में आसानी हो। अब मैं ब्रेड पे केचप और मेयोनीज लगाऊंगी। अब इस पर तैयार किया हुआ पेस्ट मैं लगाऊंगी। अब मैंने इस पर पेस्ट लगा लिया है, अब इस पर ब्रेड हम।
को गरम किया। इस पे कुकिंग ऑयल डाला। और अब हम सैंडविच को फ्राई करेंगे। सैंडविच के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। मजेदार सैंडविच तैयार है। आप इसको नाश्ते में, लंच में, ब्रंच में मज़े से खा सकते हैं।